दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से चुनाव परिणाम निकले हैं और कांग्रेस उन हालातों में चुनाव हार गई जबकि पूरा देश, पूरे देश का मीडिया, एग्जिट पोल, यहाँ तक कि भाजपा नेता भी अंदर खाने पर्दे के पीछे या कैमरे से के पीछे ये मानकर चल रहे थे कि हाँ भाजपा तीसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाएगी और हम इस बार हार रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। लेकिन दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस का तीसरी बार सत्ता में लौटना और हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव हारना किसी आठवें आश्चर्य से कम नहीं माना जा रहा। सब मान के चल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा जा रहा है, कहा तो दोनों बाप बेटे के बारे में जा रहा है कि लोग उनके पास कामों के लिए आने लगे थे। अधिकारी अच्छी अच्छी पोस्ट पाने के लिए उनके यहाँ हाजिरी देने लगे थे और 8 तारीख से पहले पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सीएम की तरह ही व्यवहार कर रहे थे और उनके साथ उनके घर पर, उनके कार्यालय में भारी भीड़ देखी जा रही थी। लेकिन दोस्तों जब से कांग्रेस 8 अक्टूबर को हारी सारा मामला पलट गया है। हुड्डा जी के यहाँ या दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ जो सैकड़ों हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, लोग जमा होते थे, अब वो भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि अब सब जानते हैं कि हुड्डा जी अब जो है 77-78 साल के हो चुके हैं, उनकी उम्र हो रही है और जो दीपेंद्र हुड्डा का जो राजनीतिक उभार था वो अपने पिता जो 10 साल सीएम रहे उन्हीं के दम पर था, उन्हीं के दम पर वो चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अब जबकि ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी का राजनीतिक भविष्य अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो उम्रदराज हो चुके हैं और अगले चुनावों तक, मैंने बताया कि 82-83 साल के हो चुके होंगे, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने दम पर राजनीति करके क्या भविष्य में कभी हरियाणा का सीएम बन पाएंगे या कांग्रेस का नेतृत्व करके कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम कर पाएंगे? इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी के जब राजनीतिक कैरियर डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति का क्या होगा? क्या वो अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने वर्षों तक कांग्रेस को अपनी जेब में रखा, हरियाणा कांग्रेस को अपनी जेब में रखा और हाई कमान को भी अपनी उंगलियों पर नचाया, तो क्या ये सब करने की कुवत दीपेंद्र हुड्डा में है? सवाल ये पूछा जा रहा है। कई लोग मानकर चलते हैं
कि बाप बेटे और खासकर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हारने के बाद से जिस तरीके से उनका सीएम बनने का सपना चकनाचूर हुआ है वो सदमे की सी हालत में है। बहुत ज़्यादा कहीं निकल नहीं रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लोग भी अब उनके यहाँ हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। तो उन पर भी कई आरोप लग रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी पर भी, कि दोनों बाप बेटों ने प्रॉपर्टी डीलरों बिल्डरों को बहुत अपने करीब रखा और प्रॉपर्टी डीलरों बिल्डरों के करीब रहना या उनको फ़ायदा देना और उनसे फ़ायदा लेना, इस सब का मतलब क्या होता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बाप बेटे ने अपने करीबी प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों के साथ राजनीति कम और धंधा ज़्यादा किया, सीधे नहीं किया, तो उनके साथ जो प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर लगे थे उनको कई प्रॉपर्टी डीलरों को इस तरीके के दो नंबर के अमीरों को जो भूपेंद्र हुड्डा के सत्ता में रहते हुए करोड़पति बने, जिनका कोई अस्तित्व राजनीतिक रूप से नहीं था और वो करोड़पति नहीं थे, बाप बेटों ने उनको करोड़पति बनाया, उनसे फायदा उनको फायदा दिया और उनसे फायदा लिया, इसीलिए सही लोगों को टिकट नहीं दे पाए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी समाज में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं थी, अच्छी पैठ नहीं थी, जनता की नज़र में उनका कद कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी नज़दीकियां हुड्डा जी के साथ थी और हुड्डा जी को भी वो अपनी जेब में बताते थे, जब चाहते थे हुड्डा जी को अपने यहाँ बुलाते थे, अपने फंक्शनों में बुलाते थे, अपने यहाँ जनसभाएं कराते थे, तो वो प्रभाव डालते थे कि देखो हुड्डा जी सीएम बनेंगे और हम उनके बहुत करीबी हैं, हमें टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीतेंगे और हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनेंगे। तो इन कारणों के चलते भी सही लोगों को टिकट नहीं मिल सका और कांग्रेस को हार का मुंह चौथी बार देखना पड़ा। अब जो विरोधी हैं, अब तो कहा ही जा सकता है, अब मैंने पहले कहा है कि भई हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के लिए मजबूरी भी रहे और ज़रूरी भी रहे, लेकिन विरोधियों का जो दावा है उसमें भी दाग लगता है कि बाप बेटों ने टिकटें बेचने का काम किया, खूब माल कूटा, प्रॉपर्टी डीलरों को टिकट दिया और इन बाप बेटे के गैंग ने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। हम इन शब्दों को नहीं कहना चाहते लेकिन लोग गुस्से में कह रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा उभर कर आ रहा है। वो बात अलग है कि यदि कांग्रेस जीत जाती तो जो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लोग भड़ास निकाल रहे हैं वो सब चुप हो जाते। और ऐसा राजनीति में अक्सर होता है कि जो चुनाव के चलते चुप बैठे रहते हैं और जिनके साथ राजनीतिक जाति हुई होती है और
जो कर रहा होता है वो चुनाव हार जाए, उसके नेतृत्व में चुनाव हार जाए, तो उनका गुस्सा फूटना लाजमी है। और ऐसे लोग जिनको भूपेंद्र हुड्डा गुट ने तकलीफें दी, उनको टिकट नहीं दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, अब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं यदि कांग्रेस अब भी नहीं चेती और नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में ही कांग्रेस की कमान रही और यदि अब भी कांग्रेस हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो भी पार्टी हरियाणा में बनी रही तो हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। तो दोस्तों ये तो वक्त बताएगा कि दीपेंद्र हुड्डा जो अपने पिता के संरक्षण में राजनीति कर रहे थे और अब भूपेंद्र हुड्डा जी उम्र दराज हो रहे हैं, राजनीति के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा की जगह ले पाएंगे? वो उनकी तरह हरियाणा की राजनीति में अपना कद अब भी बरकरार रख पाएंगे या वो हरियाणा में अब भी कांग्रेस के मुखिया बने रहेंगे या कांग्रेस हाई कमान अब भी बाप बेटे पर दाव लगाएगा? तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन मानकर ये चला जा रहा है कि अब कांग्रेस हाई कमान इस स्थिति में भी है जब कांग्रेस हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव हार चुकी है, तो अब वो ज़्यादा मजबूती से हरियाणा में परिवर्तन के लिए कदम उठा सकती है और हो सकता है कि अब भविष्य में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी को हाई कमान की तरफ से उतनी छूट ना मिले जितनी अब तक रही है। और जहां तक दीपेंद्र हुड्डा जी का मामला है, ये भी लगता है कि अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां उतनी तेज नहीं रहेंगी, उतने प्रभावी नहीं रहेंगी जितनी उनके पिता के साथ रही हैं, अपने पिता के संरक्षण में राजनीति करते हुए उनका कद बढ़ा है और वो कई बार चुनाव जीते हैं। तो जानकारों का मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी आने वाले वर्षों में कांग्रेस में रहते हुए राजनीति करना और उसे बुलंदियों पे ले जाना और अपने कद को भूपेंद्र हुड्डा की तरह बनाए रखना शायद मुश्किल रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले वर्षों में दीपेंद्र हुड्डा के लिए राजनीतिक रूप से कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में जितनी ऊंचाइयां छू सकते थे उन्होंने छू ली है, अब उन ऊंचाइयों को, राजनीतिक ऊंचाइयों को हरियाणा में शायद वो भविष्य में ना छू सकें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की जगह राजनीति में ले पाएंगे उतनी बुलंदियों पर अपने राजनीतिक कैरियर को भूपेंद्र हुड्डा के संरक्षण के बिना पहुंचा पाएंगे और हरियाणा की राजनीति में या कांग्रेस में इतना दबदबा बना रख पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर नए एपिसोड में।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।